आगे बढ़ते हैं, हमारी कहानी आती है कल की, जो कहानी थी हमारी बची हुई, दैट इज विजुअलाइजेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, है ना। तो विजुअलाइजेशन, हम लोग क्या समझते हैं विजुअलाइजेशन से? पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको मैं थोड़ा सा और समझाऊंगी क्या होता है विजुअलाइजेशन। द मोस्ट एडवांस्ड मैजिकल टेक्निक नीडेड इन हर्ब मैजिक इज विजुअलाइजेशन, फॉर्मिंग अ पिक्चर इन योर माइंड, है ना। हमें जो चीज चाहिए सबसे पहले हम उसकी पिक्चर फॉर्म करते हैं माइंड में, जो हमारे पास नहीं है हम उसी को तो सोचेंगे, ठीक है। लेकिन सोचना इम्पोर्टेंट है, राइट। इन मैजिक विजुअलाइजेशन इज यूज टू डायरेक्ट द पावर बाय फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ योर नीड। और मैजिक के अंदर सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? नीड। देयर हैज टू बी अ फायरिंग डिजायर ऑफ दैट नीड, ठीक है। जो फायर, देयर हैज टू बी फायर इन योर डिजायर, बर्निंग डिजायर ऑफ दैट नीड, कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो होना ही होना है, मुझे ये इवेंट करवाना ही करवाना है, राइट। मुझे इस अपनी थर्ड आई ओपन करनी ही करनी है, दैट इज अ बर्निंग डिजायर इन साइड मी। तो वो जो नीड होती है, बर्निंग डिजायर से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द प्राणिक एनर्जी वो ज्यादा जनरेट होती है। जब दो पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं तभी तो फायर आती है, ठीक है। देर हैज टू बी अ फ्रिक्शन इन साइड यू ऑफ द डिजायर एंड द नीड। वो जो फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट होगी आपके अंदर, कई बार हमारी फिजिकल बॉडी में वो एज अ हीट आती है, अगर हम उसको एज अ हीट ना करें, कन्वर्ट करते करके अपनी एनर्जी बॉडी में लिया है, तो वो जो हम एनर्जी है ना डाइवर्ट करके उसको मैजिकल यूज में कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम्स होंगे हर्ब्स, डिजायर होगी हमारा फोर्स, ठीक है, उसकी मैनिफेस्टेशन होती है फिर। इफ यू नीड एन ऑब्जेक्ट विजुअलाइज योर सेल्फ ओइंग इट। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए ना, हमें ये फील करना है कि वो चीज मेरे पास है। ये सभी को मालूम है ना, सीक्रेट सबने बुक पढ़ी है ना। तो यू हैव टू विजुअलाइज ओइंग इट। अगर जॉब है जैसे, तो आप उस जॉब में काम कर रहे हो, आपको ये नहीं कहना यूनिवर्स से कि आप मुझे ये दे दो प्लीज, नहीं। तो वो क्या कहेगा, वो उसने क्या सुना? यूनिवर्स की लैंग्वेज ना एक तो सिंबल्स में होती है, वो सिंबल समझता है यूनिवर्स, या फिर भावनाएं समझता है। अगर आप उससे प्ली कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट ही समझेगा, वो नहीं समझेगा कि क्या। लेकिन अगर आपकी ये फीलिंग जनरेट हो रही है, आई एम सो हैप्पी इन दिस जॉब, तो वो फीलिंग समझेगा कि दैट यू आर हैप्पी हैविंग दैट, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड यू हैव टू एंजॉय व्हाट एवर यू आर डिमांडिंग। दिस इज द सिंबल, या तो यूनिवर्स भावना समझेगा या फिर सिंबल समझेगा, दो चीज। तो अगर हम सिंबल्स में क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी मैजिक जैसे हर्ब्स मैजिक करते हैं, उसके साथ जो भी चीज आप जिस चीज के लिए कर रहे हो उससे रिलेटेड जो सामान होते हैं ना, थोड़ा गैदर कर लीजिए। सपोज आप जॉब के लिए कर रहे हैं, तो जॉब से रिलेटेड क्या क्या सामान होता है? हमें पता है कि जो पायराइट क्रिस्टल होता है, अगर हम जॉब्स के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए करते हैं तो वो होता है। कुछ ऐसी हर्ब्स है जैसे पॉपी सीड है, पॉपी सीड जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो पॉपी सीड हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। आप उस जॉब का नाम, उस जॉब की डेजिग्नेशन, उस कंपनी का नाम, राइट, कितनी सैलरी चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन लिखकर उस वक्त रखिए। दैट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मैजिक हर्ब्स का, सो दैट आपकी वो विजुअलाइजेशन एकदम पॉइंटेड हो, ठीक है, आपका कंप्लीट डायरेक्शन हो, और जो यूनिवर्स है दैट विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रिसाइज थिंग। अब विजुअलाइजेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है, मैं ये स्टॉप करती हूँ। आई रीड समथिंग टू यू। रीडिंग से पहले मैं वैसे ही समझाती हूँ आपको, शायद वैसे समझ आए, रीडिंग की जरूरत ना पड़े। देखिए, विजुअलाइजेशन, आज मैं हूँ, ठीक है, और आप है, ईच वन यू ऑफ यू, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, मैं एक टीचर हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे खाली शिल्पी गुप्ता को नहीं देख रहे, आप एक फीमेल को नहीं देख रहे, विद टीचर देख रहे हैं, राइट। जब आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी क्या फीलिंग है? वी आर लुकिंग एट अवर टीचर। तो खाली आप शिल्पी गुप्ता को नहीं देख रहे, आपके एक इमोशंस आ गए एज अ टीचर, ऑल्सो एक एक्सपेक्टेशन भी आ रही है व्हाट टीचर इज गोइंग टू टेल अस। एंड इफ टीचर इज टेलिंग दिस, देन शी शुड ऑल्सो बी प्रैक्टिसिंग दिस, तो शी इज डिवाइन,
अब कितनी सारी चीजें मेरी इस विंडो से जुड़ गई हैं। इट इज नॉट ओनली माई फिजिकल प्रेजेंस बट द प्रेजेंस ऑफ योर इमोशंस टुवर्ड्स मी। तो क्या आप मेरी विंडो में क्या मुझे देख रहे हैं? नहीं, यू आर नॉट लुकिंग एट मी, यू आर ओनली लुकिंग एट योर एक्सपेक्टेशंस, राइट? एम आई राइट? आप मुझे नहीं देख रहे ना, आप किसको देख रहे हो? आप एक एक्सपेक्टेशन को देख रहे हो। तो जो हम देखते हैं, अब विजुअलाइजेशन क्या होती है? अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो उसकी एक जो एक रियल इमेज हमारी आंखों के पीछे बनती है, तो उस जो वर्चुअल इमेज जो हमारी आंखों के पीछे बनी, हम उस चीज को वैसे ही लेते हैं कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। लेकिन क्या आप रियल ऑब्जेक्ट देख रहे हैं? कभी आप सबने सोचा ये बात? आज एक एप्पल देख रहे हैं, ठीक है, एक एप्पल है, आप उस एप्पल को देख रहे हैं। वो जो एप्पल है, जब आपका पेट भरा हुआ है, आप उस एप्पल को एक इमोशन के साथ देख रहे हैं, यार मुझे नहीं खाना ये एप्पल, आई एम फुल, है ना? तो आप उस एप्पल को नहीं देख रहे, आप किसको देख रहे हैं? अपनी हंगर के लेवल को। क्या आप उस लेवल को एप्पल को देखते हो उस वक्त? नहीं देखते ना। तो क्या आप उस रियल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? तो इसका मतलब आपका परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट सर्टेन थिंग्स इज नॉट रियल। हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके अंदर रियलिटी को तो देख ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ अपनी ही एक्सपेक्टेशंस, अपनी हर चीज को देख रहे हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को तो देख ही नहीं रहे। तो अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं किसी चीज को, तो आप किसको विजुअलाइज कर रहे हैं? गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, अगर आप एक कार पाना चाहते हैं, से कि आपको ऑडी पसंद है, आप चाहते हैं आपके पास BMW हो, मतलब कोई भी कार, एनी ऑफ द कार, ठीक है, आपको वो कार पसंद है। अब आप उसको विजुअलाइज करेंगे, किसको विजुअलाइज करेंगे? कार को या अपने एटीट्यूड को व्हाइल यू आर ड्राइविंग दैट कार? आप किसको विजुअलाइज कर रहे हैं? गेटिंग? आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ? जब हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, हम सब उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, हम उसके साथ जुड़े हुए अपने स्पिरिचुअल इमोशंस, अपने फिजिकल इमोशंस, हम अपने जो मेंटल इमोशंस, सारी चीजें मिला जुला कर उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो हम रियल पिक्चर तो देख ही नहीं रहे किसी भी चीज की। बट फॉर मैनिफेस्टेशन यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड रियलिस्टिक। तभी हम कहते हैं ना कि हमारी चीजें मैनिफेस्ट हुई। सब लोगों के ये एक्सपीरियंस होते हैं, यार हम तो बड़े प्रैक्टिस करें लेकिन हमारा तो कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ। अब समझ आए वेयर इज द गैप? व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग? यू आर मैनिफेस्टिंग योर इमोशंस, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। क्या मैनिफेस्ट कर रहे? यू वॉन्ट समथिंग, तो उसको क्लियर देखना पड़ेगा। हम इमोशंस भी मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन उसको इमोशंस देखो ना आप। तो जो पिक्चर हमारे माइंड में बन रही है, इट हैज टू बी वेरी क्लियर। उससे पहले हमें अपना माइंड स्टिल करना पड़ेगा, सो दैट पिक्चर इज नॉट मिक्स्ड विद अवर इमोशंस, आवर एक्सपेक्टेशंस। गेट इट? समझ रहे? सो यू मीन टू से कि हमें कार को विजुलाइज करना था, नॉट दिस कि वी आर ड्राइविंग द कार? यस, हमें उस कार को पर्टिकुलर, सिर्फ उस कार, उसका कलर, उसके फीचर्स। गेट इट?